मेरठ में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन के सभी तरह की योजनाएं कोरोना संक्रमण रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। तो वहीं मेरठ मेडिकल प्रशासन इलाज में लापरवाही कर रहा है। मेरठ में अब कोरोना मरीजों की संख्या 209 हो गई है, जिसमें 64 लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं, जबकि 11 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या एकाएक बढ़नी शुरू हो गई, जिसका कारण था पहले जमाती और अब मेरठ की बड़ी मंडी नवीन मंडी, जिसके अंदर सब्जी मंडी, अनाज मंडी और फल मंडी है। यहाँ पर एक फल आरती को कोरोना वायरस हुआ था, जिसकी दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लगातार मेरठ के मेडिकल प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज ने नाम न बताने की शर्त पर मेडिकल से एक वीडियो बनाकर हमें भेजा, जिसमें मेडिकल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और इलाज के नाम पर सब जीरो है। कुछ भी इलाज, कुछ भी व्यवस्था वहां मेडिकल कॉलेज में दुरुस्त नहीं है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में अब यह ना हो कि मरीजों के मोबाइल भी जब्त कर लिए जाएं, क्योंकि इससे पहले भी एक मरीज ने जब हम एक वीडियो बनाकर भेजा था तो उसके परिजनों ने बताया कि डॉक्टरों ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया और उसे खाने पीने का साधन भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कहीं मेडिकल प्रशासन पर इस लापरवाही को लेकर एक सवाल खड़ा हो जाता है, मरीजों के मोबाइल छीनकर वह क्या सिद्ध करना चाहते हैं। मेरठ मंडी में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने शुरू हो गए और यह चैन लंबी जुड़ गई। जिला प्रशासन ने 5 दिन के लिए मंडी बंद भी कर दी थी और अब इसको मेरठ के जागृति विहार में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी ऐसा कोई उपाय जिला प्रशासन के पास नहीं है, जिससे यह कहा जाए कि जागृति विहार में लगने वाली मंडी से कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिन प्राइवेट अस्पतालों में मरीज इलाज करा रहे हैं और उनकी मौत हो जाती है तो उसको सील कर दिया जाता है। आज कितने और मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 209 हो चुकी है, जिनमें 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 64 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव अपने वीडियो में दिखा रहा है कि किस तरीके से गंदगी है, खाना समय से नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं पर कोरोना स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन स्वास्थ्य विभाग पर क्या कार्रवाई करता है। मेरठ से IPN न्यूज़ शुभम शर्मा।